तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एरे फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाने का तरीका। हम इससे पहले की क्लासेस में कुछ एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अब मुझे इसमें आपके सामने दो डेट्स हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको दिख रहा होगा। मुझे इन दोनों के बीच में सैटरडे और संडे को काउंट करना है, कितने सैटरडे और कितने संडे है। हालांकि क्वेश्चन 2010 तक सही था, 2013 से क्वेश्चंस का कोई अल्टरनेटिव फॉर्मूला आ गया था, बट एक क्वेश्चंस बहुत अच्छा है इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो अगर 2013, 1916 इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं तो क्या करेंगे कि दो डेट के बीच का कोई भी आपको क्या बोलते हैं डेट्स निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसी महीने की मैं बात करूं, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच की नंबर ऑफ संडे कितना है काउंट करना है। तो इसके लिए सिंपल क्या है कि हम एंड डेट और स्टार्ट डेट को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। इसमें प्लस 1 कर दीजिए क्योंकि लास्ट वाला डेज को काउंट नहीं करता है, 31 दिन डिफरेंस आ गया। फिर नेटवर्क डेज फॉर्मूला है हमारे पास, नेटवर्क डेज डॉट IFTL स्टार्ट कॉमा एंड डेट और संडे को करना है तो यहाँ संडे कर दीजिए, संडे ओनली 11 नंबर है तो 20 से 23 हो गया। हाँ, मैं 31 माइनस 27 कर दूंगा तो मुझे 4 पता चलेगा कि टोटल 4 संडे है। तो इसमें हम एक काम और करते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कितने संडे है, 1 2 3 4 राइट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2007 अगर यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये network.IMPL का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होगा। सो मुझे इसको एरे फॉर्मूला के थ्रू करना होगा, समझ गए। तो कंसेप्ट क्या है, मैनुअल कंसेप्ट क्या है पहले उसको समझते हैं, क्योंकि हमने कल ही बताया था आपको कि पहले मैनुअल कंसेप्ट को करेंगे उसके बाद इसको करेंगे। तो मैनुअल कंसेप्ट एक आता है कि सबसे पहले हम यहां पूरा डेट बनाएंगे इस तरह से, इसको सिलेक्ट कर लिया जुलाई और हमने इसको प्लस 1 करके 31 तक का डेट बनाएंगे। इसको हम एरे में एक सेल में कैलकुलेट कर देंगे। फिर यहां टेक्स्ट फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इसका सैटरडे एंड संडे निकालेंगे। फॉर्मूला को लगाएंगे और बोलेंगे कि अगर ये सैटरडे संडे है ना, संडे हाँ संडे है तो 1 अदरवाइज 0। तो जहां जहां संडे होगा वहां वहां 1 आ जाएगा। फिर इसको सम से हम इसको सम करेंगे, क्लियर है। तो कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को कि पहले हम डेट को एक से लेकर जितना जो पीरियड का डेट है वो डेट निकालेंगे, फिर इसमें मंडे टू फ्राइडे मंडे सैटरडे संडे का डेट टेक्स्ट फॉर्मूले से निकालेंगे, फिर इफ से संडे को 1 में और अदर्स को 0 में कन्वर्ट करेंगे, फिर सम से सम करेंगे। ये तो मैनुअल कंसेप्ट था। अब हम बात करते हैं कि इसको एरे के थ्रू एक सेल में कैसे करेंगे। तो इसी को उल्टा करके लगाते हैं कि सम इफ टेक्स्ट और टेक्स्ट में हमने ने इसको लिया और प्लस रो 1 से लेके 30। कॉमा DDD इक्वल टू संडे देन 1 अदरवाइज कंट्रोल शिफ्ट एंटर। फोर आया तो ये काम कैसे कर रहा है और उसमें क्या क्या खामियां हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो फॉर्मूला एवलेट करेंगे तो पता चलेगा। तो टेक्स्ट फॉर्मूला ने क्या किया, ये डेट निकाला 44013, मतलब 1 जुलाई जो दिख रहा है उसी का नंबर वैल्यू है 44013। इसने क्या किया, फिर 1 से लेकर 30 तक रो ने क्या कर दिया, तोड़ दिया और इसमें एड कर दिया। अब यहां पे गिवन हो गए, ये देखिए 44014 आ गया, मतलब कि 2 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक का डेट आपको दे दिया। फिर इसको कन्वर्ट किया, देखिए थर्सडे से है ना, यहाँ पे थर्सडे से। ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा इसलिए हुआ कि आप देखिए जैसे रो ने क्या किया, एक किया, जब वन इसमें ऐड करेगा तो ऑब्वियसली एक जुलाई में एक ऐड होगा तो दो जुलाई आएगा ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं सर आप लोगों को? यूसुफ जी एक माइनस कर दिया तो क्या होगा कि डेट में प्लस होगा, तो ये देखिए 413 है, प्लस होने के बाद 414 आया, फिर सबसे एक एक माइनस कर दिया तो 413 से लेकर 442 तक हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस वन कर दिया, तो हमने मतलब कि हमने 1 से 30 तक जोड़ा, फिर हमने माइनस वन कर दिया तो 0 से 29 हो गया फिर, और डेट यहाँ पे देखिए आ गया। इसमें चलो जहां जहां संडे है वहां वहां पर इसने वन कर दिया, और जहां पे ए है अदर्स है वहां पे जीरो कर दिया, और सम जीरो को तो जीरो समझता है, वन को लेके सम करके रिजल्ट दे दिया। अब क्वेश्चन यह हुआ कि मैंने यहाँ पे 30 ऐड कर दी क्या, लेकिन 30 होगा इसकी गारंटी है? हम डेट दो महीने भी डाल सकते हैं, डेढ़ महीने की भी डाल सकते हैं, तो चलिए इसको ऑटोमेट करते हैं। तो ऑटोमेट करने के वही बैंक का फंडा अपनाएंगे, इसमें हमने कर दिया a माइनस a डिफरेंस, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसको हमें इनडायरेक्ट के अंदर में डालना है ताकि ए रोज इसको ले सके, वरना रोज को नहीं एक्सेप्ट करे। कंट्रोल शिफ्ट एंटर पेस्ट कीजिए, आप देखिए फॉर्मूला चला, माइनस होके 30 आ गया। ओके सर, 130 कन्वर्ट हुआ, एट में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो तो इसके दो प्रॉब्लम है, पहले कि आपने अभी तक एरे की क्लास की प्रैक्टिस नहीं की, दूसरी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये जो क्वेश्चन है इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो क्या होगा, क्या है क्वेश्चन, मैं यहां पे कोई डेट डालूंगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसी महीने का डेट डाला, अब मुझे इस महीने की सेकेंड सैटरडे का डेट चाहिए, महीने की सेकेंड सैटरडे का डेट चाहिए। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं और इसकी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज में क्या होता है कि लास्ट सैटरडे सेकेंड सैटरडे हाफ डे होती है या ऑफ होती है, समझे? इसलिए हमें जो है मंथ के लास्ट डेट चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, मैनुअल कंसेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने यहां पे किया था वही काम मैं करूंगा कि पूरा इस महीने का 31 जुलाई तक का डेट बनाऊंगा, लूप जिसको हम लोग बोलते हैं वीबीए लूप, मतलब कि रिपीट, और लूप बनाने के लिए इसके लिए रो का यूज करते हैं। फिर वही हम टेक्स्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो सैटरडे संडे में हम कैलकुलेट कर देंगे। और फिर हम यही फॉर्मूला, बट इफ में यहाँ छोटा सा चेंजिंग होगा, इफ संडे तो या सैटरडे है ना, सैटरडे वैल्यू शो करे अदरवाइज फॉल्स रहे। यहां पे क्या होगा कि जहां जहां सैटरडे है वहां का डेट डाल दिया, डेट को नंबर में डाला है इसने, और हमें क्या चाहिए सेकेंड सैटरडे, तो हम यहां स्मॉल फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे सेकेंड कर देंगे, तो डेट हमें आ जाएगा सेकेंड सैटरडे। बट इसको तो हम इतना झमेला में किए, हम इसको यहां एक सिंगल सेल पे करना है एरे के थ्रू। क्या करेंगे इसमें, आप यहां पे देंगे हम फॉर्मूला स्मॉल का, स्मॉल इसको
इसमें हम स्मॉल में फिर देंगे इफ का फॉर्मूला, फिर देंगे टैक्स का फॉर्मूला, फिर इसमें हम सिलेक्ट करेंगे प्लस वही रो एक से लेके 20 तक डीडीबी इक्वल टू सैटरडे। रिजल्ट क्या होना चाहिए? ए थ्री प्लस रो एक से लेके 20। इसको क्लोज किया और यहां पे सेकेंड सैटरडे कंट्रोल सेव एंटर। आगे 11 जुलाई कैसे परफॉर्म किया ये आपके सामने। तो सेम डेट आ गया। सम क्या किया था? सम किया था, लेकिन यहां पे हमने स्मॉल किया, ये पहला और दूसरा ले लेगा। लास्ट सैटरडे निकालना है तो स्मॉल के जगह पे मैक्स दे दीजिए, मैच निकल जाएगा लास्ट सैटरडे का दिन। या थर्ड फोर्थ फाइव चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं, या सेकेंड लास्ट सैटरडे चाहिए तो आप लार्ज फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, स्मॉल को कर सकते हैं। हेलो अच्छा, क्वेश्चन से बात आया कि हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कल, क्या हुआ उसका? कल आपने क्वेश्चन दिया था सर, कल तो नहीं सबसे जैसे क्वेश्चन दिया था ना, भूल गए? आपने कहा था वो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और बना के भेजिएगा। नहीं, हमने आपको इससे पहले क्लास में क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये था कि जैसे कि ये देखिए फाइनेंस है, मैं एक काम करता हूँ डिपार्टमेंट और सैलरी, ठीक है? लिस्टिंग वाला सर, ये लोग अब लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वीडियो ही भेजा था मैंने। वीडियो कब लिस्टिंग आपने दिया था, उसको प्लस सम करना था ना आखिर में। अब जैसे कि इसमें फाइनेंस यहाँ भी है, फाइनेंस नीचे भी, आईटी देखिए यहाँ भी है, कई जगह पे आईटी है। तो हमने बोला था कि अगर हम नॉर्मल वीलुकअप लगाते हैं तो क्या होता है? इक्वल वीलुकअप, हमने इसको सिलेक्ट किया और डेटा को सिलेक्ट किया कॉमा 2,0, तो सैलरी 38,000 आ गई। लेकिन मुझे इसके लास्ट वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए वीलुकअप लिस्टिंग वगैरह तो हमने यूज किया था। लास्ट सैलरी लिए बताया तो था मैंने ना, तो मुझे इसमें ही करना था कि वीलुकअप लिस्टिंग वाला पार्ट जो मैंने बताया था इसमें काउंट वगैरह लगाते थे वो चीज यहां पे करनी थी। तो कैसे करें चलिए मैं बता देता हूं आपको। तो हमने क्या बताया था आपको कि लास्ट, अगर लास्ट हमें लगाना हो तो उसके लिए हमने क्या बताया था? लार्ज फॉर्मूला बताया था ना आपको मैंने कि लार्ज फॉर्मूले में हम सिलेक्ट करेंगे इफ को, इफ में हम इसको सिलेक्ट करेंगे अगर ए इक्वल टू है आईटी, तो हमने इसको बोला था कि हम इसके रेंज को लेंगे और फिर यहां कॉमा वन लास्ट के लिए, वन लार्ज भी लगा सकते हैं और मैक्स भी लगा सकते हैं। ये आ गया ना 91,000, नीचे देखिए आईटी का सैलरी सबसे लास्ट सैलरी क्या है, सबसे लास्ट ही है आपका। ओ छोटी सी गड़बड़ हो गई, इस गड़बड़ ये हुई कि हमें यहां पे रो फॉर्मूले देने थे।
और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर 100। फिर यहाँ हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे इंडेक्स फॉर्मूला या इनडायरेक्ट फॉर्मूला, और कॉमा 100 नंबर रो एंड सेकंड। अब आया एटीएम काउंट। अब इसी प्रोसीजर को यहाँ फॉलो करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर देंगे और यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले काउंट इफ पे हम देंगे कि इस रेंज में आईडी कितना बार रिपीटेड। फिर यहां हम देंगे फॉर्मूला इफ का, ये वन नॉर्मल वन लिख देते हैं नीचे इफ का, इफ अगर इसमें प्लस वन करने पे ग्रेटर देन 14 है तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज इसमें प्लस वन हो जाए। और जहां की टेन में प्लस वन होगा, नीचे ड्रैग करने से पहले डी एट को फ्रीज करना है और यहाँ इफ एरर का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि एरर आया, जब अगर एरर आया तो ब्लैंक हो जाएगा। और फिर उसको नीचे के तरफ एक संभावित यहाँ कितने हो सकते हैं उतने हम ड्रैग कर। और जो चीज हम यहाँ यूज किए हैं ना, यही मटेरियल यहाँ यूज करेंगे, लेकिन स्मॉल स्मॉल। और हमने यहाँ पे दे दिया फॉर्मूला इफ का, इफ में हमने दे दिया रेंज इट्स इक्वल टू आईटी, ऐसा है तो रो नंबर आ जाए। ये कंसेप्ट कल बताया था मैंने आपको मैक्स फॉर्मूले के साथ। अब इसमें जो नंबर है ये आ जाए नंबर, क्योंकि आईटी जो है नेक्स्ट 17 नंबर पे। अब इसको हम इंडेक्स फॉर्मूले के अंदर डालेंगे, इंडेक्स इंडेक्स में हम अपना रेंज को सेलेक्ट करते हैं कॉमा, रो नंबर मुझे मिल गया और कॉलम नंबर के लिए यहाँ पे हम 1 दे देते, कंट्रोल शिफ्ट एंटर रिजल्ट। अब नीचे ड्रैग करना है हमें, तो इसके लिए हमें फ्रीजिंग का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। अब इसको नीचे की तरफ ट्रैक कर, एरर आ रहा है तो यहाँ हम इफ एरर और यहाँ पे कॉमा ब्लैंक कर देते हैं और नीचे की तरफ, और यहां भी सेम करेंगे हम इफ एरर और यहां पे ब्लैंक कंट्रोल शिफ्ट एंटर और इसको ड्रैग करो। अब आईडी डालिए या आरएनडी डालिए, यहां पे सारे रिकॉर्ड आएंगे सीक्वेंस के साथ। अब जैसे कि ये देखिए क्या है कि ये आपका जो है सॉर्टेड में, मतलब कि पहले सबसे पहले जो डिजिट होगा वो आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, चौथा आएगा। आप चाहते हैं नहीं लास्ट से शुरू करें कि जो सबसे लास्ट में आया है वो पहला है, तो यहाँ स्मॉल के जगह पे आप लार्ज फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। समझ गए ऋषि जी, नवीन जी? जी सर। क्या जी इस तरह से यूज करते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको वर्किंग आवर क्रिएट करना है। एक प्रोजेक्ट जो है हमने, एक प्रोजेक्ट अगर इस तारीख को, इस तारीख को इतने बजे हमने लिया और इस तारीख को इतने बजे हमने टॉप कर लिया। इस प्रोजेक्ट में मैंने मंडे टू फ्राइडे 9 से 18 को काम किया है, तो कितना वर्किंग आवर हमने इसके दिया है ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपस में सम करना है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप कीजिए, वीवीएस होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैं बताया था आपको, वही यहाँ पे अप्लाई करना है, नंबर को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 एवी में बता दिया,
हर तीसरा नंबर आपको यहाँ पे सम करना है, हर थर्ड नंबर पे। चौथा नंबर इसमें आपको ढूंढना है कितने यूनिक है, कितने डुप्लीकेट है, तो ये नौवां नंबर। नौवां नंबर क्वेश्चन है आपका, इस तरह का कैलेंडर बनाना है और इसमें दिया हुआ है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो भी मैं लास्ट में लिखूं यहां पे विजुअल होना चाहिए, 7 level 5 समझे। सो द लास्ट कॉलम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोई भी एक डैशबोर्ड बना सकते हो, कि अगली क्लास से जो आपकी डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन की आ रही है तो कोई भी एक डैशबोर्ड बना के आप दिखाइए, कोई भी। ये आपका वीकेंड का टॉपिक है, वीकेंड में आपको करके देना है, तो 11th तक कीजिए, 10th को बाद में करना है। ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूं। बना के फटाफट भेजिए सर, ठीक है। अगली क्लास हमारी डायनेमिक चार्ट के ऊपर होगी। एक्सेल का टॉपिक।